हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंस बिटवीन कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च एंड मेस फ्लावर, कॉर्न मील और मक्की का आटा। ये सारे जो टर्म्स हम सुनते रहते हैं, इनके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ये आखिर हैं क्या। नाम तो इनका लगता है कि ये मक्का से बनते हैं, बट इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज़ में अलग अलग ये यूज़ होते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो जानना होगा कॉर्न के बारे में कि आखिर कॉर्न और मेज़ इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम ये भुट्टा देख रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम से इंडिया में भुट्टा कहते हैं, तो ये इस तरह का इस पूरे भुट्टे को हम मेज़ कहते हैं और ये क्रॉप भी मेज़ की ही क्रॉप कहलाई जाती है, कॉर्न क्रॉप नहीं होती है ये। कॉर्न हम जस्ट वन जो इसका भुट्टा का एक दाना होता है उसे हम कॉर्न कहते हैं और पूरे भुट्टे को कॉर्न कैनल्स। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये पूरा जो क्रॉप है वो मेज़ क्रॉप है और जो भुट्टे का दाना है वो कॉर्न है। तो इस कॉर्न से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर पॉपकॉर्न ड्राई जब हम कर देते हैं कॉर्न कैनल्स को, तो उसके बाद इससे हम पॉपकॉर्न बना सकते हैं। अगर ये रॉ हैं तो उस टाइम पे हम इससे कॉर्न चाट बना सकते हैं, मसाला कॉर्न बना सकते हैं। और इसे इस तरह से भून के भी खाया जाता है, चाहे तो इसके दानों को ग्राइंड करके पैटीज बना लीजिए या फिर चीला वगैरह हम बनाते हैं। तो इस तरह से रॉ फॉर्म में ये इस तरह यूज़ होता है। और जब हम इस तरह इसके दाने निकाल लेते हैं और इसे ड्राई कर लेते हैं, तो ये ड्राई जो दाने हैं वो या तो पॉपकॉर्न बना लीजिए या फिर इसका हम आटा बना लेते हैं। तो ये आटा है मक्की का आटा या फिर मेस फ्लावर या फिर कॉर्न मील, इसको हम तीन नामों से जान सकते हैं क्योंकि ये मेस की क्रॉप है। तो इसको मेस फ्लावर कहा जाता है, ना कि कॉर्न फ्लावर। कॉर्न फ्लावर और मेज़ फ्लावर दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि कॉर्न फ्लावर और मेज़ फ्लावर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट ये दोनों चीज़ें एक ही प्रोडक्ट से बनती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कॉर्न है, इनको ड्राई करके इस तरह से मक्की का आटा हम बना सकते हैं। और कॉर्न फ्लावर का बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है मक्की का आटा, इसे हम कहते हैं मेज़ फ्लावर या फिर कॉर्न मील। इसको तीन नामों से जान सकते हैं, मक्की का आटा, मेज फ्लावर और कॉर्न मील। और ये इस तरह का येलो होता है, थोड़ा सा दरदरा होगा और इसे जस्ट भुट्टे को सुखाकर और उसके बाद इसे चक्की में लेके आटा बना लेते हैं। तो इस तरह से आटा बन जाता है। इसके हम बना सकते हैं मक्की की रोटी, पूरी, पराठा, कुछ भी आप इससे सर्दियों में काफ़ी यूज़ करते हैं। जो कॉर्न फ्लावर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इससे बनता तो ये कॉर्न से ही है, बट जो कॉर्न का अंदर वाला पार्ट होता है, इसका आउटर कवरिंग निकाल दी जाती है, जो इसका एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है और एंडोस्पर्म का जो स्टार्ची पार्ट होता है उससे बनाया जाता है कॉर्न फ्लावर। तो ये यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ये होल जो कॉर्न का बीज है उससे ये नहीं बनाया जाता, ये अंदर के स्टार्ची पार्ट से बनाया जाता है। और ये बिल्कुल डिफरेंट काम करता है, इसकी रोटियां नहीं बनाई जाती, ना कोई पराठा बनाया जाता है, इसका बिल्कुल अलग रोल है। ये किसी भी ग्रेवी को थिक करने के लिए या बाइंडिंग के लिए काम में आता है। तो ये कॉर्न फ्लावर का पैकेट मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। ये पैकेट को हम ओपन करके देख लेते हैं तो इसका टेक्स्चर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह डिफरेंट है। यहाँ पर आपको किसी और ब्रांड का भी ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर ये टॉप्स का मेरे पास कॉर्न स्टार्च है, वो मैं ओपन कर रही हूँ और ओपन करके आप देखेंगे कि ये बहुत ही फाइन कलर का वाइट पाउडर फॉर्म में होता है और इसका टेक्सचर बिल्कुल पाउडर की तरह होता है और ये काफ़ी सिल्की टाइप का टेक्सचर है इसका। आप देखेंगे हाथ में ऐसे आपको लगेगा जैसे आप टेलकम पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उस तरह का इसका, जैसे एक स्टार्च फॉर्म होता है उसी तरह का ये होता है। और इसे हम जनरली बाइंडिंग के लिए काम में आते हैं, जब भी कोई टिक्की हम बनाते हैं या कोई कबाब, तो उसमें जब हम बाइंडिंग करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। चाइनीज़ रेसिपी में इसका बहुत यूज़ होता है, कराची हलवा बेसिकली इसी से बनाया जाता है, उसका बेस इन्ग्रीडियंट यही होता है। सर्दियों में हम डिफरेंट टाइप के सूप यूज़ करते हैं, उनको थिक करने के लिए भी हम कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर का ही यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर इसलिए है क्योंकि यूएस में
इसे कहा जाता है कॉर्न स्टार्च, और यूके में कहा जाता है कॉर्नफ्लावर, और इंडिया में भी हम इसे कॉर्नफ्लावर के नाम से ही जानते हैं। हम सभी रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर का यूज़ तो करते रहते हैं, पर कभी हमने अगर इंग्रेडिएंट उसका चेक किया हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लावर ही होता है। और आपने देखा है कस्टर्ड जब हम बनाते हैं तो जैसे ही हम मिल्क में उसे ऐड करते हैं वो थिक हो जाता है, तो वो कॉर्नफ्लावर की जो प्रॉपर्टी है उसी की वजह से ये थिक हो जाता है। तो इस तरह से कॉर्न स्टार्च पुडिंग बनाने के काम भी आता है, काफ़ी सारे डिज़र्ट में यूज़ होता है, मिठाइयों में यूज़ होता है। तो कॉर्नफ्लावर से कोई चपाती वगैरह नहीं बनाई जाती, ये एक बाइंडिंग एजेंट है और थिकनिंग एजेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से ये व्हाइट कलर का जो पाउडर फॉर्म में हमें मार्केट में कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च या मेज स्टार्च के नाम से मिलता है वो बाइंडिंग के काम आता है। और दूसरा जो हमारे पास येलो पार्ट है आटा, वो मक्की का आटा है, उसे आप मेज फ्लार कह सकते हैं, कॉर्न मील कह सकते हैं। इस तरह से ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट नेम इन दोनों चीज़ों के हैं। होप आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है दोनों चीज़ों का वो आपको क्लियर हो गया होगा इनका यूज़। तो आप जब भी बाइंडिंग के लिए यूज़ करें तो कभी भी मक्की का आटा यूज़ नहीं होता है, इसके आप पकौड़े बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं। बाइंडिंग के लिए आपको कॉर्न स्टार्च का ही यूज़ करना होगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ क्लियर किया है, हो आपको पसंद आया हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है या आपकी किसी भी तरह से इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे भी आप मेरी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं या मेरी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।